दोस्तों, अगर मैं किसी एक मूवी की बात करूं जिसकी हाइप काफी लंबे समय से बढ़ रही है, तो वो है थॉर लव एंड थंडर। पहले तो हम लोग को पता चला कि इसमें हम लोग को फिट थॉर दिखाई देगा, जो कि फोटोज कंफर्म करती है। उसके बाद यहाँ पे गॉड द गॉड बुचर आएगा, जो कि क्रिश्चियन बेल जिसका रोल प्ले कर रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को जेयस भी दिखाई देगा। लेकिन आज इन सब के अलावा हम लोग के पास इसका प्लॉट डिटेल आया है, जो कि पूरी स्टोरी तो नहीं बताता है, लेकिन मूवी के कुछ मेजर इवेंट्स को अच्छे से समझाता है। तो आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक, और कमेंट करके बताइए कि आपको थॉर ज़्यादा अच्छा लगता है कि आयरन मैन। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, प्लॉट डिटेल में ये बताया गया कि मूवी की स्टार्टिंग में गॉड द गॉड बुचर थॉर को ख़त्म कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की बात नहीं है, ये अपने करंट यूनिवर्स का थॉर नहीं है, बल्कि ऑल्टरनेट टाइमलाइन का थॉर है। अब जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद आ रही है, इसलिए यहाँ पे भी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली ये बात है जो इसमें रिवील नहीं हुई है कि गॉड द गॉड बुचर के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता है, और यहाँ पे उसका कितना गुस्सा है कि वो अपनी यूनिवर्स के गॉड्स के अलावा बाकी जितने भी मल्टीवर्स के थॉर है उनको भी ख़त्म कर रहा है। यानी दोस्तों, वाकई उसकी थॉर से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी। और इतना ही नहीं, वो थॉर का पता लगाते हुए अर्थ पे आ जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि एसगार्ड तो ख़त्म हो गया है और थॉर ने अपना नया घर बसा लिया है। लेकिन जैसे वो अर्थ पे आता है, उसे ये पता चलता है कि थॉर तो है नहीं, और यहाँ पे वैल्करी मूवी की स्टार्टिंग में उसका अच्छे से सामना करती है। लेकिन यहाँ पे गॉड द गॉड बुचर वैल्करीन को काफ़ी घायल कर देता है, और यहाँ पे कॉर का एंड कर देता है। दोस्तों, ये प्लॉट मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया जिसमें कॉर की एंडिंग हो रही है। और वैसे भी अगर प्लॉट बनाने ही दोस्तों, तो वैल्करीन की तरह कॉर को थोड़ा घायल कर देता, उसे ख़त्म करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि बहुत अच्छा कैरेक्टर है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बाद गॉर वहाँ से चला जाता है, और यहाँ पे हिस्ट्री में ये भी दिखाता है कि गॉर ने थॉर के वर्जन को ख़त्म नहीं किया है, बल्कि जियस को भी ख़त्म किया, उसके आसपास के लोगों को भी ख़त्म किया। लेकिन किसी तरह जियस गॉर के अटैक से सरवाइव कर जाता है और ग्रीक गॉड्स के साथ किसी अलग प्लैनेट पर रहता है। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग देखते हैं थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ है, और गॉर वहाँ पहुँच जाता है उस पर अटैक करने, और थॉर को ज़रा सा भी रियलाइज नहीं होता ये कौन सा एलियन है, क्यों मुझ पर अटैक कर रहा है, और यहाँ पर स्टार लॉर्ड से सामना भी करता है। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि अब स्टार लॉर्ड आधा सेलेशियल्स नहीं है, इसलिए गॉर के सामने तो लोग हार जाते हैं। लेकिन तभी अचानक एंट्री होती है जेन फॉस्टर की, जिसके पास म्योनिर भी रहता है। वो गॉर का सामना करती है, और किसी तरह गार्डियंस और जेन फॉस्टर थॉर को बचा के वहाँ से ले जाते हैं। अब दोस्तों, मेन बात ये आ रही है, इस प्लॉट में एक भी बार रिवील नहीं हुआ कि जेन फॉस्टर कैसे फीमेल थॉर बनती है, ना ही इसकी कोई थ्योरी बताई गई है। तो चलिए हम लोग अपनी खुद की एक थ्योरी ऐड करते हैं। क्या पता दोस्तों, जब थॉर पर कोई मुसीबत आ रही हो तो जेन फॉस्टर को वर्दी होना पड़ा हो। यानी दोस्तों, वो जो ब्रोकन म्योनिर हम लोग को दिखाई दिया था थॉर रैग्नारोक मूवी में, जो कि अभी भी अर्थ पे था, उसे जेन फॉस्टर ने किसी तरह ठीक कर दिया हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग थॉर पार्ट वन मूवी देखेंगे, जेन फॉस्टर स्टार्टिंग से स्पेस के बारे में रिसर्च कर रही है, और उसे थॉर के बारे में काफ़ी नॉलेज है। अब यहाँ पे थॉर को तो मौका नहीं मिला था उस म्योनिर को ठीक करने का, क्योंकि वहाँ पे हेला उस पर अटैक कर दी थी, और यहाँ पे लोकी कहने पे बायफ्रॉस्ट ओपन हो गया था। लेकिन अगर हम लोग बात करें जेन फॉस्टर की, तो हो सकता है वो म्योनिर को फिर से ठीक करने में कामयाब रही हो। लेकिन ये सब तभी होगा जब उसके अंदर वर्दीनेस की क्वालिटी होगी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ पे। वही दूसरी थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पे जब मल्टीवर्स का रूल चल रहा है, तो यहाँ पे गॉड द गॉड बुचर टाइमलाइन में थॉर का एंड किया था, उस वेरिएंट के लोकी ये सब देख लिया था, इसलिए अपने करंट अर्थ के थॉर को कुछ ना हो, इसलिए वहाँ पर अपनी मैजिक से नया म्योनिर पहुँचा देता है, और उसे जेन फॉस्टर वेल्ड कर लेती है। दोस्तों, मुझे सेकंड थ्योरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि ये थॉर 4 को लोकी की टीवी सीरीज से भी कनेक्ट कर रही है। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, जिस वक्त यहाँ पे गॉड द गॉड बुचर थॉर पर अटैक किया था, उस समय थॉर का वर्जन फैट था, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद वो फिट भी हो जाता है। अब उसे वर्कआउट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, कुछ हफ्तों में ये सब चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि भाई वो एसगार्डियन है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि एक फाइट भी होती है थॉर और हरकुलिस के बीच में, लेकिन वो एक तरह की फ्रेंडली फाइट होती है। यहाँ पे वो लोग बस अपनी पावर्स का दिखाते हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पे जो मेन फाइट होती है, फाइनली जो होती है, वो थॉर, गॉड द गॉड बुचर और जितने भी ग्रीक गॉड्स हैं जो कि अलग प्लैनेट पर चले गए थे गॉड से बच के, उनके बीच होती है। लेकिन यहाँ पे एक कैरेक्टर और है जो कि यहाँ पे आना बाकी है, जिसका नाम है लेडी सिव। अब यहाँ पे जब गॉर द गॉड बुचर जेन फॉस्टर से फाइट कर रहा था, तो अपना सेक्रीफाइस भी कर देती है जेन को बचाने के चक्कर में।
यहाँ पर दोस्तों इस प्लॉट में तो काफी लोग खत्म हो गए। एंड में इस प्लॉट के अकॉर्डिंग थॉर और बाकी गॉड्स मिलकर गॉर द गॉड बुचर का एंड कर देते हैं। और यहाँ पे थॉर ग्रीक गॉड्स को इनवाइट करता है वापस अपने प्लैनेट यानी कि अर्थ पे आके रहने का। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आते हैं जहाँ पे इटर्नस पहली बार थॉर से मिलने आए हैं। अब दोस्तों चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इस प्लॉट में क्या मिसिंग है। सबसे पहले दोस्तों गॉर द गॉड बुचर का इम्पोर्टेंट जो काम है यानी कि उसका जो हथियार है वो कहाँ है, जो कि है ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड जो कि बनाई गई थी वेरम के गॉड सिम्बियोट से जिसका नाम नल रहता है। अब यहाँ पे इस सॉर्ड का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर थॉर इसे ख़त्म कर लेता है तो सॉर्ड बाद में थॉर के काम आती है जिसके बाद वो यहाँ पे गैलेक्टस का एंड करता है जब वो किंग थॉर बन जाता है। लेकिन दोस्तों उसके बारे में हम लोग को कुछ नहीं बताया गया। और दूसरी बात यहाँ पे अगर हम लोग कॉमिक बुक की बात करें या फिर मूवीज़ की भी बात करें, ये कन्फर्म हो चुका है कि जेन फॉस्टर को कैंसर है। तो एंड में उसके साथ क्या होता है, क्या उसका कैंसर थॉर ठीक कर देता है या फिर उसकी डेथ होने वाली होती है? क्योंकि मेरे हिसाब से जेन फॉस्टर की डेथ तो होगी नहीं कि वो रिसेंटली फीमेल थॉर बनी है और आगे जाके एवेंजर्स टीम का पार्ट होगी। और यहाँ पे थॉर तो अभी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ चला गया था, उसके बाद जब ये सब इवेंट्स होते हैं तो क्या वो वापस अर्थ पर रहने का डिसीजन लेता है? और अगर ऐसा होता है तो आगे जाके एवेंजर्स टीम हम लोग को कैसी दिखाई देगी? और यहाँ पे वैल्करीन का तो इतना कम रोल है कि क्या बताए। यहाँ पे दिखाया गया कि स्टार्टिंग में गौर आता है वैल्करीन पर अटैक करता है और उसके बाद सीधे वैल्करीन हम लोग को मूवी के एंड में दिखाई देती है, यानी दोस्तों उसका रोल तो एकदम ना के बराबर है। तो यहाँ पे कई ऐसे प्लॉट डिटेल है जो कि मिसिंग है और मियोनर के बारे में भी हम लोग को ठीक से बताया नहीं गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ऑडियंस देखना चाहती थी उसके बारे में तो उसका एक वर्ड नहीं सामने आया जो कि है बेटर ए बिल। यानी दोस्तों यहाँ पे ऑडियंस को बेटर ए बिल की हिंट मिल गई थी थॉर रैग्नारोक मूवी में। तो इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों मूवी के डायरेक्टर अगर सेम हैं तो यहाँ पे बेटर ए बिल को फाइनली आ जाना चाहिए था जो कि हम लोग को नहीं दिखाई दिया। और यहाँ पे ग्रैंड मास्टर का भी होना बेहद ज़रूरी था। और अगर थॉर वापस आ रहा है और यहाँ पे फाइट हो रही है, गॉड द गॉड बुचर अर्थ के एक पार्ट पर अटैक कर रहा है, तो बाकी एवेंजर्स कहाँ है ये सब भी नहीं बताया गया। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो प्लॉट है वो एक तरह से इनकम्प्लीट है और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने बाकी हैं जो कि आगे जाके हम लोग को पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों इस मूवी में जब जीरस आ सकता है, हरकुलिस आ सकता है जिसके बारे में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो यहाँ पे उन सबसे अच्छा तो यहाँ पे हम लोग को बेटर है बिल्कुल दिखा देना चाहिए। और थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कॉमिक बुक की स्टोरी की बात करें तो यहाँ पे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के टाइम बेटर है बिल तो सिर्फ के साथ होगा, तो ये सब पॉसिबल कर देना चाहिए था। अब देखिए एक्चुअली मूवी में क्या होता है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर लव एंड थंडर के प्लॉट डिटेल से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसी यूनिक सुपर हीरो कॉन्टेंट इन्जॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।